नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपुल कौशिक आज फिर हाजिर हूं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों, और आज से मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम डेली मार्केट एनालिसिस किया करेंगे कि आज मार्केट कैसा परफॉर्म की, आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, और उसके बेसिस पे हम कोशिश करेंगे ये जानने की कल क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या संभावनाएं हैं, निफ्टी कल कैसे परफॉर्म कर सकती है। दोस्तों आज मैं इसको एक निफ्टी एनालिसिस सीरीज का नाम दे रहा हूं, जो जिसमें हम डेट भी मेंशन करेंगे किस दिन हमने क्या बात की थी। तो आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके रेफरेंस हमेशा ले सकते हैं, और इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद खाली आपसे ज्ञान बांटना है। आपको कोई भी चीज जबरदस्ती आपको रिकमेंड करने का बिल्कुल भी मेरा उद्देश्य नहीं है। आपकी लाइफ है, जैसे मर्जी जीना चाहे जी सकते हैं, जिस मर्जी एक्सपर्ट से पूछिए, जिस मर्जी फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिए, उसके बाद ही अपना ट्रेड कीजिए। दोस्तों अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो आगे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बाद बेल बटन को भी दबाइए ताकि सारी वीडियोस आपको टाइम पे आती रहे। और नीचे दिए गए मेरे मोबाइल नंबर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप में डाल दीजिए ताकि आप मुझे व्हाट्सएप पे चर्चा कर सके मेरे साथ। मेरी ईमेल आईडी भी आपके सामने है, और अगर आप ईमेल पे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आज से जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है डेली निफ्टी एनालिसिस सीरीज। आज मेरा डेली निफ्टी एनालिसिस सीरीज का पहला वीडियो है, आज की तारीख 21 मई 2018। चलिए हम देख लेते हैं कि निफ्टी ने आज कैसे बिहेव किया। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी नीचे आप देख लीजिए, यहाँ से ये 21 तारीख है, मतलब यहाँ से डेली चार्ट आ रहा है। हमने आवरली कैंडल को यूज किया हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी वन डे चार्ट में पिछले चार दिनों से सेलिंग जोन में है। निफ्टी ने अपनी कुछ मूविंग एवरेजेस को मैं इस्तेमाल करता हूँ, कौन सी मूविंग एवरेजेस हैं, कैसी मूविंग एवरेजेस हैं, मैं आने वाले वीडियोस में जब मैं आपको टेक्निकल वीडियोस बताने जाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि मैं कौन से इंडिकेटर्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो लोग समझदार हैं वो देख सकते हैं, जिनको ऑलरेडी पता है उनका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जिनको बिल्कुल नहीं पता है उन लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आने वाले वीडियोस में देखते रहें और इसका लुत्फ उठाएं, इसका मजा उठाएं। देखिए दोस्तों ये आप कैंडल के ऊपर आप लेके जाएंगे तो ये 16 मई की कैंडल है, रेड रेड खुली, रेड बंद हुई। अगर आप इसको थोड़ा और जूम करना चाहें तो आप बड़ा करके जूम करके देख लीजिए, जहां से खुली वहीं से नीचे आई है उस दिन, ठीक है, हल्की सी रिकवरी हुई है बट रेड में बंद हुई है। आप ये 17 तारीख की भी कैंडल रेड है, उसका 18 तारीख की कैंडल भी रेड है। अब दो दिन की छुट्टी हुई शनिवार इतवार की, आज 21 तारीख कैंडल देखिए दोस्तों, जहां से खुली ओपन हाई सेम, कल का भी ओपन हाई सेम था, आज का भी ओपन हाई सेम, और जहां से कैंडल बननी स्टार्ट हुई है वहां से उसने कोई भी रिकवरी के साइन इंट्राडे में डेली चार्ट में नहीं दिखाए। चलिए दोस्तों हम आवरली चार्ट देख लेते हैं कि आज उसने कैसे परफॉर्म किया। आप देखें ये यहाँ देखिए, जिस भी कैंडल पे आप लेके आएंगे वहां पे आपको उस कैंडल की डेट आ जाएगी, और ये कैंडल यहाँ से शुरू होती है, 21 तारीख की कैंडल यहाँ से शुरू होती है दोस्तों, ठीक है, 21 तारीख की कैंडल यहाँ से शुरू होती है, एक भी कैंडल ग्रीन नहीं है दोस्तों, देखिए मजे वाली बात है। और ये पूरा निफ्टी का जो दबाव है, यहाँ से भी हमें पता लग पा रहा है कि जो गैप है फास्ट लाइन और स्लो लाइन के पीछे बढ़ता जा रहा है। एमएसीडी भी हमें बता रहा है कि फास्ट लाइन नीचे है, स्लो लाइन ऊपर है, और ये मेरे पसंदीदा इंडिकेटर्स भी बहुत क्लियर इशारा कर रहे हैं कि बाजार अभी मंदी के दौर से निकला नहीं है। दोस्तों मैंने अपनी कर्नाटक इलेक्शन वाली जो वीडियो बनाई थी दोस्तों, वहां से देखिए यहाँ से वो वीडियो बननी स्टार्ट हुई थी। हाँ ये देखिए दोस्तों, 950 का हाई लगा था, 950 के हाई लगने के बाद से मैंने कहा था नी जर्क, नी ब्रेकिंग मूवमेंट हो सकती है। अभी तक हालांकि चुनाव हो चुके हैं, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाई है, कांग्रेस और जेडीएस मिलकर सरकार बनाने वाले हैं, बट उनके बीच में भी आपस में मतभेद जारी हैं, जिनको बाजार बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। यहाँ छोटी मोटी हल्की फुल्की रिकवरी है, पर ये फॉल्स सिग्नल्स हैं, आप इनको इग्नोर कर दीजिए। यहाँ से बाजार पूरे दबाव में आता हुआ, और देखिए दोस्तों इसका एक बेहद क्लियर करने के लिए चलिए हम एनएससी की साइड पर चल पड़ते हैं, और लाइव मार्केट में आप जाएंगे तो ऑप्शन चेन में इक्विटी डेरिवेटिव्स पे आप आ जाएं। यहाँ देखिए दोस्तों ये आपको पूरे बाजार का हाल बता के रख देगा। राइट साइड में आपके पुट्स हैं और लेफ्ट साइड में आपके कॉल्स हैं। दोस्तों पुट्स में अगर आप देखें, जहां बाजार सपोर्ट लेता है, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 54 लाख का 10,500 के ऊपर, मतलब बाजार 10,500 के सपोर्ट पे खड़ा है, और आज 516 की निफ्टी क्लोजिंग है। निफ्टी की क्लोजिंग 516 के आसपास की है दोस्तों, ठीक है, निफ्टी की क्लोजिंग 516 के आसपास की है, और बाजार 500 के सपोर्ट पे, अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो दूसरा सबसे बड़ा सपोर्ट 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट 10,300 पे है, मतलब 300, और उससे पहले 10,400, मतलब 10,500 में 10,400 का सपोर्ट है, फिर 10,300 का सपोर्ट है। पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट में अगर कोई चेंजेस देखना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है इसमें, कोई बहुत ज्यादा पोजीशंस नहीं बनी है। और यही अगर आप कॉल की बात करने की कोशिश करें कि जो लोग कॉल से हेजिंग कर रहे हैं,
वही आप देखें, कमाल का ओपन इंटरेस्ट 10,600 की कॉल पे ऐड हुआ है, 13,78,000 जो एक टाइम पे बाजार में 16-17 लाख तक ओपन इंटरेस्ट चला गया था, इसको जो लोग वॉच कर रहे थे उनको पता होगा। इसके बाद दूसरा सपोर्ट जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है 10,500 के ऊपर। दोस्तों ये ओपन इंटरेस्ट एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर है, इससे बहुत क्लियर पता लग जाता है कि अगर मान लीजिए, अब देखिए दोस्तों कमाल हो गया, देखिए आज की जो ओपन इंटरेस्ट की फिगर देखेंगे 3,93,00,000 का कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, वो 3,73,00,000 मात्र रह गया है, जो 2 दिन पहले 4,90,00,000 का ओपन इंटरेस्ट था पुट में। दोस्तों मतलब जब बाजार हाई बना रहा था 10,950 का, उस दिन ओपन इंटरेस्ट 4,90,00,000 का, जो गिरते 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 आज ओपन इंटरेस्ट पुट से गायब हो गया और ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में शिफ्ट हो गया है। मतलब अब हेजिंग कॉल से हो रही है, पुट से हेजिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब जो लोग इसको नहीं समझते हैं वो उनको मैं बता दूं कि ये मेरा अपना तरीका है इसको देखने का, आपका तरीका इसको देखने का अलग हो सकता है। मेरे हिसाब से बाजार बेहद दबाव में है और 2018 में 21 मई की आज की डेट है और बाजार रेड खुल के रेड बंद होते हुए, और इस हिसाब से उम्मीद है अगर रातों रात कोई ऐसी न्यूज नहीं आती है जो बाजार को पॉजिटिव कर पाए तो 10,500 को संभाल पाना बहुत मुश्किल है, और ये हमें 22 तारीख की सुबह पता लग जाएगा। और आज के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, ये सीरीज देखते रहे, आपके हमारे डेली काम है कि हम इसका डेली पोस्टमार्टम करेंगे, निफ्टी ने आज कैसे बिहेव किया और कल क्या बिहेव कर सकती है। दोस्तों बंद होने से पहले चलिए आपको एक 15 मिनट का चार्ट दिखाए थे, 15 मिनट का चार्ट भी पूरी सेलिंग के अंदर है। आप 5 मिनट जो इंट्राडे कर रहे थे वो भी बड़े कंफ्यूज रहे हैं वो लोग, पर अंत में सेलिंग ही है। और 5 मिनट 15 मिनट को छोड़ दीजिए, आप डेली चाहे कैंडल रेड में है, रिपीट कर रहा हूँ, आर्ली कैंडल रेड में है, तो मुझे लगता नहीं बाजार को कोई संभालने वाला है, बचाने वाला है। 500 अगर टूटेगा तो फिर अल्लाह मालिक है, 400 तक जा सकता है बाजार, 300 के लेवल भी टच कर सकता है। अगर 400 को होल्ड किया तो फिर नया बाजार क्या बनेगा, डेली की नई मूवमेंट है, कल देखेंगे। आज निफ्टी रेड बंद हुई है और इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।